you think that we made mistakes, send an appeal telling us. We will review your appeal and get back to within decision within 14 days. मतलब कि अगर आपको लगता है कि YouTube ने यहाँ पे कोई mistake किया है तो 14 दिन के अंदर अगर आप appeal करेंगे तो आपको यहाँ पे YouTube से reply मिलेगा कि हाँ आपने गलती की है कि नहीं. लेकिन only choose this option, ध्यान से सुनिएगा, only choose this option if you have not deleted any video since your channel was suspended from monetization. यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिना वीडियो डिलीट किए अगर आप वीडियो को डिलीट करके और अपील करेंगे तो YouTube बेवकूफ़ नहीं है. ठीक है, यहाँ पे पहले ही बोल रहा है कि बिना वीडियो डिलीट किए अपील करना है अगर आपको लगता है कि हमने मिस्टेक किया है, नहीं तो आपका चैनल भी बंद किया जा सकता है. दोस्तों एक मिनट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. इनका चैनल है, इनके चैनल पे लगभग 4,500 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है योर चैनल इज नो लॉन्गर एलिजिबल टू मोनेटाइज. मतलब कि पहले मोनेटाइज था, पहले चैनल से अर्निंग होती थी, लेकिन यहाँ पे ये लिख दिया गया कि अब आपका चैनल पैसे नहीं कमा सकता है. अब दोस्तों आप सोचिए कि जिसको भी ये प्रॉब्लम आती होगी उसको कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा, क्योंकि कोई भी अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है और मेहनत करके ही अपने चैनल को ग्रो करता है. अब सोच सकते हैं 4,500 सब्सक्राइबर करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगा होगा. अब यहाँ पे हुआ क्या था और क्यों ऐसा हुआ ये बात पूरी आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसलिए ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड. आफ्टर रिव्यूइंग योर चैनल वी फाउंड दैट इट डज नॉट फॉलो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी. इनके चैनल ने यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जिसके कारण इनके चैनल से मोनेटाइजेशन को छीन लिया गया. ठीक है, अब क्या हुआ था, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, इन्हीं से पूछेंगे. तो सरिता जी, आपका चैनल जैसा है, द सोर्सेज बिहाइंड आपके चैनल का नाम है, कब से आप चैनल पे काम कर रही हैं? चैनल मतलब 3 साल से काम कर रहे हैं. 3 साल से काम कर रहे हैं, 4,500 सब्सक्राइबर हो गया था. चैनल मोनेटाइज कब हुआ था? मोनेटाइज नवंबर में हुआ था, इसी नवंबर में. तो आप क्या समझती हैं, क्यों आपके चैनल से मोनेटाइजेशन छीन लिया गया, यूट्यूब ने क्यों आपके चैनल से मोनेटाइजेशन हटा दिया? देखिए, वैसे तो मैं वीडियो डालती हूँ, सब जो भी मेरा खुद का कंटेंट है सब वही डालती हूँ, क्योंकि मेरा कोई एक्स्ट्रा है नहीं चैनल पे, तो वो मैं खुद बोलती हूँ और उसका एडिट करके मैं डालती हूँ. लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि शॉर्ट्स भी डालना चाहिए, तो कभी कभी मैं शॉर्ट्स डाल देती थी, तो ऐसे शॉर्ट्स भी लाती थी जो नो कॉपीराइट था, और नो कॉपीराइट होने के बाद जब मैं आकर चेक करती थी उस पर नो कॉपीराइट सॉन्ग्स डालती थी, म्यूजिक डालती थी, सारा चीज़ उसको करके डालती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो किसी का कंटेंट थोड़ा बहुत किया हुआ रहता था. मेरा 70% नहीं था उसमें, मेरा 50% होगा, 40 या 50% होगा, तो इस कारण मेरा चैनल को रीयूज कंटेंट आ गया, डाल दिया. एक पैक हम देखे कि अरे ये तो मेरा चैनल ये हो गया है, ईमेल आया, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई पहले से ईमेल पे कोई मेरे को नोटिस या कुछ भी ऐसा नहीं आया, डायरेक्टली डिमोनेटाइज कर दिया गया. Directly. अब दोस्तों यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा. जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे शॉर्ट वीडियो पे जो है रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं आ सकता है या कॉपीराइट का नहीं आ सकता, तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं होते हैं. लेकिन अगर जैसे ही आपके शॉर्ट वीडियो पे व्यूज़ बढ़ना शुरू हुए, 1,000, 2,000, 10,000 जैसे ही हुए, तो आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आपने दूसरों का कंटेंट कॉपी किया है. किस कंडीशन में नहीं आएगा वो मैं आपको बताता हूँ. अगर आपके कंटेंट में 70% वीडियो आपकी होगी और 30% वीडियो अगर किसी और की होगी तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन अगर आपके चैनल पे 70% किसी और का होगा और 30% आपका होगा, तो यही प्रॉब्लम आपको आ सकता है और चैनल आपका डीमोनेटाइज हो सकता है. अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने में सरिता जी को लेट हो गया, जिसके कारण इनका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया. अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे इसका क्या उपाय है, कैसे हम वापस से अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं और कैसे हम वापस से यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं. यहाँ पे आप देखिए, यूट्यूब ने ये तो बता दिया कि इनके चैनल पर रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आया है, लेकिन अब करना क्या है, व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट. यहाँ पे पहला चीज़ है अपील इफ़ यू थिंक दैट वी मेड मिस्टेक. दोस्तों गलती हर इंसान से होती है, यूट्यूब से भी गलती हो सकती है. ठीक है, तो यूट्यूब यहाँ पे कहता है कि आप अपील कीजिए, लेकिन तब जब आपको लगे कि हमने कोई गलती की है. तो अगर आपने गलती की है और आप फिर भी आप अपील कर रहे हैं, तब तो यहाँ पे आपके साथ और भी बुरा हो सकता है. इसलिए जब आपने गलती कर दी है तो आपको अपील नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, रीअप्लाई.
रीअप्लाई करने से क्या होगा, ये आपने उस वीडियो को हटा दिया जो आपने रियूज कंटेंट में यूज़ किया था। अब आप यूट्यूब से माफ़ी मांग के ये कह रहे हैं कि अब हम वो वीडियो अपलोड करेंगे जिन वीडियो में कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे YouTube कर रहा है, इफ़ यू थिंक दैट वी मेड मिस्टेक सेंड एन अपील टेलिंग अस वी विल रिव्यू योर अपील एंड गेट बैक टू विद इन डिसीजन विद इन 14 डेज। मतलब कि अगर आपको लगता है कि YouTube ने यहाँ पे कोई मिस्टेक किया है तो 14 दिन के अंदर अगर आप अपील करेंगे तो आपको यहाँ पे YouTube से रिप्लाई मिलेगा कि हाँ आपने गलती की है कि नहीं। लेकिन ओनली चूज दिस ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा, ओनली चूज दिस ऑप्शन इफ़ यू हैव नॉट डिलीटेड एनी वीडियो सिंस योर चैनल वाज सस्पेंडेड फ्रॉम मोनेटाइजेशन। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिना वीडियो डिलीट किए अगर आप वीडियो को डिलीट करके और अपील करेंगे तो YouTube बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले ही बोल रहा है कि बिना वीडियो डिलीट किए अपील करना है अगर आपको लगता है कि हमने मिस्टेक किया है, नहीं तो आपका चैनल भी बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबमिट योर अपील भाई 8 मई 2023। अपील करने का एक लिमिटेड टाइम होता है कि इसी टाइम तक आप अपील कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपील नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए, एडिट योर चैनल एंड रीअप्लाई। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी है, मतलब मैंने दूसरों का कंटेंट अपलोड कर दिया है, तो आपको क्या करना है कि एडिट योर चैनल एंड रीअप्लाई, मतलब कि अपने वीडियोज़ को डिलीट करना है, चैनल को एडिट करना है, उसके बाद रीअप्लाई करना है। रिव्यू और फीडबैक देन मेक चेंजेस टू योर चैनल, चेंजेस कैन इंक्लूड एडिटिंग और डिलीटिंग वीडियोज़ एंड अपडेटिंग वीडियोज़ डिटेल। मतलब कि एडिट चैनल में क्या होगा कि आप जो है मेक चेंजेस कर सकते हैं एडिटिंग से और डिलीटिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता है कि YouTube एक और फीचर देता है एडिटिंग का, जो आप अगर एडिटिंग के सेक्शन में जाते हैं कंटेंट में, तो वहाँ से आपको लगता है कि कोई म्यूज़िक हमने गलती से यूज़ कर लिया है, कोई वीडियो हमने गलती से यूज़ किया है, तो वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। या तो आपको लगता है कि हमने दूसरों का वीडियो यूज़ कर लिया है तो उसे आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। ये एडिट चैनल के इंक्लूडिंग आता है कि वीडियो को भी डिलीट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यू कैन रीअप्लाई स्टार्टिंग फ्रॉम 17 मई। रीअप्लाई का यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया जाता है कि कब से आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि दूसरों का वीडियो तो उठा के डाल देते हैं, वो वीडियो वायरल हो जाती है और उससे वॉच टाइम पूरा हो जाता है, सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते हैं। जब वो अप्लाई करते हैं तो रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आ गया तो जाहिर सी बात है आपने दूसरों के वीडियो यूज़ की है। अब जैसे ही उस वीडियो को आप डिलीट करेंगे आपका वॉच टाइम फिर से वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। जैसे देखिए, इनकी जो वीडियो वायरल हुई थी उसके कारण यहाँ पे 4000 वॉच टाइम पूरे हो गए थे, ठीक है। तो सब्सक्राइबर तो नहीं घटते हैं, सब्सक्राइबर तो जो थे वही रहे, लेकिन वॉच टाइम यहाँ पे घट गया। अब क्या करना होगा, जैसे ही वॉच टाइम पूरा होगा फिर से आपको यहाँ पे रीअप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप रीअप्लाई कीजिएगा। लेकिन इस बार आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने अब इस बार आपने कोई भी दूसरा कंटेंट यूज़ नहीं किया, आपके सारे ओरिजिनल कंटेंट्स हैं। उसके बाद आप रीअप्लाई कीजिए, जैसे ही आप यहाँ पर रीअप्लाई करेंगे आपका चैनल वापस से मोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम क्यों आता है और इससे आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा एक एक स्टेप बताया। अब सरिता जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या गलतियां हुई जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम हुआ और अब क्या लोगों को नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि अपना 70% अपना इफेक्ट अपना डालना चाहिए, अपना कंटेंट रहना चाहिए और आप 10-20% दूसरे का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो ठोकर लगने से ही सीखते हैं, जैसा कि मैडम ने सीखा। लेकिन अब ऐसा काम नहीं करना है, वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर से रीअप्लाई कीजिएगा, वापस से चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, थोड़ा सा इनको सपोर्ट दिखाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।